Guys, we finally reached our destination, Omkareshwar. जो नेविगेशन ना ये पूरा ओम के आकार का रहता है, मतलब जो पहाड़ वहाड़ ओम बन के आता है। सेकेंड ट्रिप हमारे सितंबर में होने वाली है जो कि है नाशिक पुणे, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। गाइस कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाइक आर्टिस्ट भी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये देखो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड मैं बारिश में भी मोबाइल लगा के रखो, इतना तो रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि बरसात में कैसा लगता है आप लोग को अंदाज़ा आ जाएगा। बट कंसर्न ये है कि बस हमारे कैमरे में पानी लग जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा विज़न अच्छा नहीं आएगा। सो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना कर रहा हो तो भाई थोड़ा तो एडजस्ट करना बनता है एंड सपोर्ट करना बनता है आप लोगों का। एंड फिलहाल जयगवान भैया बोल रहा खंडवा रुकने का, तो देखते हैं वो भी क्या सीन बनता है, खंडवा रुकेंगे या कहाँ पर। घाट शुरू होने से पहले ये ढाबे लगते हैं, तो आप लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर सकते हैं एंड खाना वाना खा सकते हो। जिसको भी खाना खाना रहा तो बहुत ही अच्छी है वहाँ के खाना वाने का टेस्ट, चेकआउट कर लेना आप लोगों ने एक बार। सोचा नहीं था मॉनसून में इधर राइड करूँगा ज़िंदगी भर में, मेरे को लगा ज़िंदगी भर चिकलदरा में निकल जाएंगे क्या मॉनसून, लेकिन नहीं भाई अब ऐसा नहीं है। एक लंबी ट्रिप तो मारे ली हमने अभी मॉनसून की, एंड सेकंड ट्रिप हमारे सितंबर में होने वाली है जो कि है नासिक पुणे, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। फिलहाल ये रेलवे लाइन खंडवा से इंदौर जाती है, अभी तो फ़िलहाल काम चले उसका तो बंद है, बट कुछ सालों में शुरू हो जाएगा ये। गाइस कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बाइक आर्टिस्ट भी है, बाकी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये देखो द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। Guys, we finally reached our destination, ओमकारेश्वर। 4:30 तो मेरे को नहीं लगता कि वो हो पाएगा परिक्रमा, तो अभी देखते हैं यार नहाते वहाते एंड जैसा भी होता है आप लोगों को बताता हूँ मैं फिर। एंड गाइस उस दिन के मुकाबले आप लोग गर्दी चेकआउट कर सकते हो कितनी कम है, ना के बराबर ही है। लेकिन उस टाइम में यार संडे था तो बहुत जाम था, यहीं से भीड़ लग गई थी गाड़ियों की, है ना। जिसने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा उन लोगों को पता है ना, अभी तो खाली खाली साएंगा एंड फोटोशूट वोटो सब बढ़िया हो जाएगा सब। लोगों को ओमकारेश्वर आना है ना, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप छुट्टी के दिन मत आओ, क्योंकि छुट्टी के दिन आपके ना ढंग से दर्शन हो पाएंगे ना कुछ, इसलिए बिना किसी छुट्टी वाले दिन आओ ताकि आप लोगों को बढ़िया से दर्शन भी हो जाए एंड बढ़िया तरीके से आप घूम भी सको। नहीं तो क्या ना गर्दी में आप लोगों को दर्शन भी नहीं हो पाएंगे एंड कुछ भी नहीं, अच्छे से घूम भी नहीं पाओगे, तो इस वजह से। ओमकारेश्वर मंदिर भारत के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की महिमा और प्राचीनता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओंकारेश्वर का मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। ओंकारेश्वर मंदिर अपने धार्मिक महत्व के लिए और अपने शांतिपूर्ण और चित्रसूत्री स्थान के लिए जाना जाता है। मंदाता द्वीप जहां मंदिर स्थित है नर्मदा नदी द्वारा घिरा हुआ है, जो दिलचस्प नज़ारों और शांतिपूर्ण वातावरण की सुविधा प्रदान करता है। ओंकारेश्वर मंदिर में शिव की पूजा रोजाना की जाती है और यहाँ पर विभिन्न पूजा अनुष्ठान और आरतियाँ भी होती हैं। यहाँ के महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए लोग यात्रा करते हैं। मंदिर नागर वास्तुशास्त्र की शैली में बना है और 10वीं सदी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ है। यह हिंदू धर्मियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इतने देर के सफ़र के बाद पूरा कीचड़ होने के बाद में अभी हम नर्मदा माँ में अभी हमने स्नान किया तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इधर जो ये है ना डैम, उसका गेट छोड़ा जा रहा है तो पानी अभी तक इधर तक नहीं था, वो नीचे तक ही था, अभी पूरा भर गया है ये। एंड देखो बोट, कितने सारे बोटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो भाई जिसको ओंकारेश्वर के बारे में नहीं पता ना, उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना मंदिर ओंकारेश्वर का, यहाँ पे है। एंड ये जो नदी देख रहा हूँ ना, ये बह रही है नर्मदा नदी। पिछले ब्लॉग में बताया था एंड अभी पता चला हूँ तो मैं नर्मदा नदी। एंड जिसको भी अपने पास बुलाने हो तो भाई यहाँ से बुलवा सकते हो। एंड ये जो नदी देख रहे हो ना, ये पूरा ओम के आकार का रहता है, मतलब जो पहाड़ वहाड़ पूरा ओम बन के आता है। आप गूगल में सर्च कर लोगे तो आपको वो दिख जाएगा। गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिख दो एंड महाकाल जो भी आपकी विशेष है वो पूरी कर देंगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर जय श्री महाकाल लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, उनकी विशेष पूरी हो। बाकी आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, साइनिंग ऑफ रेडवुल्फ राइडर। हियर इज योर ब्रदर निशान कैसे गाइस। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया तो आपको पता है करना क्या है, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड प्लस कमेंट कर देना, ठीक है। मिलता है ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।